आज हम बुलियन का आउटलुक देखेंगे ये हफ्ते के लिए। पिछले हफ्ते में हमने सोने चांदी में काफ़ी अच्छी तेजी देखी, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में गिरावट, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा हुआ और साथ में प्रीमियम्स हमने चाइना और इंडिया में बढ़ते हुए देखे, इस कारणवश हमने गोल्ड में करीबन 33,000 का भी लेवल छूते हुए देखा, जबकि इंटरनेशनल में जिस ढंग से हमने एक्सपेक्टेशन रखा था कि $1,345 तक का लेवल दिखा सकता है, तो बिल्कुल हमने 1,345 का लेवल भी तोड़ते हुए गोल्ड में देखा था। बट ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस ढंग से हमने देखा जियोपॉलिटिकल टेंशन में थोड़ा सा दबाव आया है, साथ में ट्रेड वॉर यूएस और मेक्सिको के बीच में जो चल रहा था वहाँ पे भी हमने थोड़ी सी एक कूल डाउन आते हुए देखा, साथ में यूएस और चाइना के बीच में भी जो ट्रेड टॉक है वो सामने जा रही है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का गोल्ड में हमने देख सकते हैं, क्योंकि पिछले 15 दिन की अगर बात करें तो हमने ऑलमोस्ट 1280 से 1345 करीबन हमने $60 के आसपास का, $55-60 की तेजी हमने गोल्ड में ऑलरेडी आते हुए देख चुके हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी रुपया काफ़ी मजबूत हो रहा है, मानसून का ऑनसेट हो चुका है, केरला तक मानसून पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इक्विटी मार्केट में एक अच्छा बाउंस देखने मिल जाएगा और बुलियन में एक करेक्शन ड्यू है, वो करेक्शन ये हफ्ते में हमने देखने मिल सकता है। तो हमें लगता है ये हफ्ते के लिए 32,750 पे गोल्ड को बेच के चलना चाहिए, 33,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, प्राइजेस में गिरावट का रुख रहेगा जो 32,400 से लेकर 32,200 का लेवल गोल्ड में देख पाएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें, टेक्निकली मार्केट ने काफ़ी शानदार एक बाउंस दिखाया था, 1440 से लेकर हमने ऑलमोस्ट 1500 का लेवल छूते हुए इंटरनेशनल में देखा था, बट कहीं ना कहीं 15 का जो रेजिस्टेंट लेवल है वो अभी भी प्राइजेस को हॉन्ट कर रहा है। नो डाउट डोमेस्टिक मार्केट में हमने 37,000 का लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करते हुए दिखा है, बट हमने जैसे पहले भी बताया था कि 37,550 का काफ़ी अहम रेजिस्टेंट है, जब तक ये लेवल तोड़ता नहीं है प्राइजेस में एक उम्मीद ऐसी है कि प्रॉफिट बुकिंग फिर से दिखा सकता है, और जैसे कि ये हफ्ते में एक प्रॉफिट बुकिंग है और $15 के नीचे इस वक्त चांदी चल रही है, तो हमें लगता है चांदी में भी बेच के चलना चाहिए 37,000 पे, 37,400 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 36,400 से 36,200 तक के लेवल हम चांदी में देख पाएंगे।